फना हो गई। कुल्लु मन अलैहा फन वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। अगर कोई हस्ती बचेगी, कोई मौजूद होगी जिसको सर्वाइवल है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। वही क़यामत के वक्त भी कायम है। वो हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन, वही जात है जब कोई भी नहीं था वो अल्लाह उस वक्त भी था। जब कायनात खत्म हो जाएगी वो जात उस वक्त भी होगी। वो जाहिर को भी जानने वाला है, वो बातिन को भी जानने वाला है। वो अल्लाह की ये सिफात है कि जिस दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मताउल गुरूर कहा है, धोखे का समा कहा है। और अगर आप इस दुनिया की हैसियत को समझना चाहते हैं, जिस दुनिया में आकर, जिस दुनिया की रेल पेल में लगकर, जिसकी रानाइयों में खोकर और जिसके रंगो रूप में उलझकर और जिसके धोखों में आकर हमारा एक शख्स दूसरे शख्स को कत्ल भी कर देता है, एक शख्स दूसरे की इज्जत भी उछालता है, एक शख्स दूसरे की इज्जत से खेलता भी है, और दुनिया में उसको जानी माली जो नुकसान हो सकता है वो करने को तैयार है, सिर्फ इस वजह से कि मेरी दुनिया ठीक रहे, दुनिया की सहूलतें और दुनिया की आसाइशें, दुनिया की फैसिलिटीज, ये सारी की सारी मेरे लिए ही साबित रहें, ये सहूलत, ये इनायत, ये खुशनुमाई, ये दुनिया का रंगो रूप मैं किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता, ये सारा कुछ मेरे लिए ही होना चाहिए। और इस ज़ुम में आकर, इस गुमान में आकर वो दुनिया में कुछ भी करने को तैयार होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर दुनिया की बेसबाती का इल्म हो और अगर दुनिया की टेम्पोरेरी पन का, आरजी पन का इल्म हो और आखिरी और उखरवी अंजाम के बारे में यकीन हो, तो मेरे भाइयों बंदा कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी गई इस जिंदगी को नाकदरी ना करे और हमेशा अपनी भी इज्जत करे और मकासिद शरीयत के तहत अपने भाई के जान माल और इज्जत के तहफ्फुज को भी यकीनी बनाए। लेकिन बदकिस्मती है कि वो कुरान के सबक को भूल जाता है। अगर उसने कुरान पढ़ा हो, उलमा की मजलिस में बैठा हो, इस मदरसे में आकर यहाँ के पढ़ने वाले तलबा की तरह उसने अगर सबक हासिल नहीं किया, यहाँ से पिनपने वाले उलमा के दरस में नहीं बैठा, उनके हलके में नहीं बैठा, तो फिर मेरे भाइयों वो इल्म से भी ना बलद रहेगा, वो दुनिया के बारे में किसी भी चीज से ना बलद ही रहेगा और उखरवी अंजाम से भी ना बलद ही रहेगा और दुनिया में दुनिया की बेसबाती को वो किस तरह भूलेगा। आप कुरान सुनिए, आप खुशनसीब हैं कि मस्जिद में बैठे हैं कि कुरान दुनिया के बारे में क्या कहता है। في الأموال والأولاد جان لو انما الحياة الدنيا یہ دنیا کی زندگی لعب و لهو یہ کھیل کود ہے اس میں کوئی شخص آتا ہے अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, दीन की तालीमात मौजूद हैं उसके मुताबिक औलाद की तरबियत नहीं करता, दीन की तालीमात मौजूद हैं उसके मुताबिक कारोबार नहीं करता, दीन की तालीमात मौजूद हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बनाता। तो कुरान कहता है जब खेल कूद में लगा रहता है, वल्लहुन वतफाखुरुम बैनकुम, और माल की हवस में आकर, माल के लालच में आकर, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लालच में आकर क्या करता है, वो एक दूसरे की मेरे भाइयों जान भी लेता है, उसको कत्ल भी कर छोड़ता है। दुनिया की बेसुबाती पे उसको कम यकीन है, लेकिन उसको ये गालिबन पता नहीं कहां से यकीन आ गया है कि मैंने पता नहीं कितने साल जिंदा रह लेना है।
लेकिन इस ज़ुल्म में आकर कुरान कहता है वतफाखुरुन बैनकुम वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औदा, इस माल की कसरत के लालच में आकर वो सारी चीजें करता है। और कुरान करीम ने मेरे भाइयों इसका नक्शा दूसरे अंदाज में भी खींचा है, अल्लाहुम्मा तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्म कल्ला सौफ़ तअलमून। कसरत माल की हवस ने तुम्हें हलाक और तबाह करके रख दिया, इस हद तक तबाह कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम कब्र के दहाने तक पहुंच गए। तुम्हारा ये हिर्स खत्म नहीं हुआ कि मैं सारा कुछ दुनिया का समेट कर इकट्ठा कर लूं। लेकिन याद रखना, ना तुम्हारे कफन की जेब है, ना कब्र में कोई तिजोरी है, तुमने खाली हाथ ही जाना। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जिस तरह तरबियत फरमाई, सही बुखारी की हदीस है 6416 नंबर। आपके सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, आप उनकी तरबियत किस तरह कर रहे हैं? और आप तसव्वुर और एहसास पैदा कीजिए कि ये तरबियत आज हर उस्ताद को भी करने की जरूरत है कि अपने शागिर्दों की इस अंदाज से तरबियत करे। आज हर वालिद की जरूरत है कि अपनी औलाद की तरबियत इस नहज पे करे और उसको सिखाए कि जिस ज़ुल्म में लगकर और जिस पटड़ी पे तुम चढ़ चुके हो, ये दुनिया पता नहीं कब खत्म हो जानी है, इसकी हैसियत इस हदीस से समझ लीजिए। आपने फरमाया या अब्दुल्लाह इब्न उमर कुन फि दुनिया का अन्नक गरीब, दुनिया में इस तरह रहो का अन्नक गरीब जिस तरह के एक अजनबी होता है, औ आबिरु सबील या एक चलने वाला मुसाफिर होता है। आप दोनों की हैसियत को समझिए, मुसाफिर और अजनबी। आप जिस महल्ले में जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, आपके कॉलोनी में महल्ले में कोई सोसाइटी भी बनी होगी और आप उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आपके महल्ले में अगर कोई शख्स किराए के मकान में आके रहता है ना, तो आपकी सोसाइटी वाले उसको अपना मेंबर नहीं बनाते, कहते ये अजनबी आदमी, ये किराए पे रहता है, इसने पता नहीं कब मकान छोड़ के चले जाना है, पता नहीं कहाँ का है कहाँ का नहीं है, हम इसके वेयर अबाउट से वाकिफ ही नहीं है। तो ये है अजनबी आदमी जिसकी हैसियत हमारे मुआशरे में या महल्ले में ये होती है। दूसरी तरफ आपने फरमाया औआबिरु सबीलिन के या चलने वाला मुसाफिर। आप अहबाब में से माशाल्लाह हर किसी ने मोटरवे पे सफर किया हुआ है ना, मोटरवे पे रेस्ट एरियाज आते हैं। आप खुद बताइए कि अगर आपने लाहौर से या फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाना हो, आपको रेस्ट एरिया पे रुकना पड़ जाए तो कितने दिन रुक जाते हैं? क्यों जी, कुछ दिनों के हिसाब से रुकते हैं या मिनटों के हिसाब से रुकते हैं? मिनटों के हिसाब से रुकते हैं। क्यों? क्यों? हमारी मंजिल ये मंजिल नहीं होती, रेस्ट एरिया हमारी मंजिल नहीं है, हम चलने वाले मुसाफिर हैं, हम अपना ज़ादे राह कोई खाना पीना कोई कज़ाए हाजत या कोई तभी जरूरत पूरी की वहां से निकले अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। ये मंजिल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के जरिए हमें समझा कि तुम्हारी मंजिल दुनिया नहीं है, ये दुनिया व माफी है, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम्हारी मंजिल वो है कि दुनिया में आए हो और इस दुनिया में आकर तुमने उस घर का समा तैयार करना है जिस जहां पे अबदी जिंदगी गुजारनी है, वहां से लौटना मुमकिन नहीं, उसका समा इस दुनिया में तैयार करना है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर को ये बात समझाई, उन्होंने ऐसा इस बात को पल्ले बांधा, हमेशा अपने शागिर्दों को ये बात कहा करते थे, इदा असबहत फला तंतज़िरिल मसा, अगर आपको अल्लाह सुबह देखनी नसीब कर दे तो कभी शाम का इंतजार नहीं करना, व इदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह, और अगर अल्लाह शाम देखनी नसीब करे तो कभी सुबह का इंतजार नहीं करना, व खुद मिन सिहतिका लिसक़मिक, अगर बीमारी से पहले अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो अपनी सेहत को गनीमत जानिए, गनीमत समझते हुए
जितना नेक अमल होता है कर लीजिए, जितनी नेकियां इकट्ठी हो सकती हैं कर लीजिए, जितना जिक्र होता है कर लीजिए, जितना कुरान पढ़ा जाता है पढ़ लीजिए, जितना जिक्र अज़कार होता है कर लीजिए, जितने नवाफिल का एहतमाम होता है कर लीजिए, जितना दीन सीखा जाता है सीख लीजिए, जितनी तबलीग हो सकती है कर लीजिए, और जितना लोगों की इस्लाह कर सकते हैं कर लीजिए। कोई पता नहीं है कि ये जिंदगी मिन हयातिकल मौतिक, मौत कब आ जानी है जिसका आपको अल्लाह ने किसी भी तरह नहीं बताया, वो कब आ जानी है, कब आंखें बंद हो जानी, आपको किसी चीज का इल्म नहीं। लिहाजा इस दुनिया में आकर अपनी नेकियों का समा पैदा कर लो। मेरे भाइयों, हम उलमा के पास बैठते कम है, जामिया सल्फिया में आते कम है, इसलिए उलमा का रंग शायद हमें नहीं चढ़ा, वरना हजरत शेखुल हदीस साहिब हफिज़हुल्लाहु वरहा, अल्लाह करीम हमारे उस्ताद मोहतरम की सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सही बुखारी की हदीस है, किताबुर रिकाक है, और हदीस नंबर है 6416। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस के इब्तिदा में हजरत अली का कौल नकल करते हैं। वो कौल क्या है आप भी सुनिए, आपको भी अंदाजा हो। और ये जो तस्वुर आप देखिए, दुनिया में कैसी कैसी बातें मशहूर हैं कि हम लोग बड़े शौक के साथ, ज़ौक के साथ सहाबाए किराम के अक़वाल अपने मोबाइल्स के जरिए, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के जरिए एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, सेंड करते हैं। आप ये कॉल भी सुनिए और इसको भी देखिए कि इसमें हजरत अली क्या बयान फरमाते हैं। कहते हैं, इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ मोड़कर जा चुकी, वल आखिरत मुकबिलतन, अब आखिरत जो है वो आने वाली है, फलिकुल्ली वाहिद मिनहुमा बनून, इन दोनों के बेटे हैं, आखिरत के भी बेटे हैं, आखिरत का भी समा है, दुनिया का भी समा है, दुनिया का माल क्या है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातु सालिहातु खैरुन ربك ثوابا وخير املا। मालो दौलत जिसके पीछे दुनिया की औलाद, दुनिया के बेटे, दुनिया का जखीरा, ये मालो दौलत है, ये बेटे हैं, ये औलाद है जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्नमा अमवालुकुम वऔलादुकुम फितनम वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। दुनिया का जखीरा ये है कि माल इकट्ठा कर लो, दौलत इकट्ठी कर लो, जितना होता है कर लो, समेट लो, खजाने बना लो। पता नहीं है जिस औलाद के लिए बना रहे हैं उसने मरते वक्त हमारे पास भी होना है कि नहीं होना, क्या वो इस काबिल औलाद हो भी के नहीं कि मरते वक्त हमारे लिए कोई हमें कलमे का विर्द करवा दे, हमारे पास कलमा पढ़ ले, मरने के बाद हमें गुसल दे सके, हमारा मरने के बाद जनाजा पढ़ा सके। क्या हमने औलाद को इस काबिल किया है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फली कुल्ली वाहिदिन मिनहुमा बनून, दोनों के बेटे हैं, फकून मिन अबनाइल आखिरा, आप आखिरत के बेटे बने, बाकियात सालिहात पे अमल करें, नेकियां इकट्ठी कर ले, जितनी नेकियां समेट सकते हैं समेट ले, इन्हीं नेकियों ने आखिरत में काम आना है, इन्हीं नेकियों ने आपके लिए जखीरा बनना है, इन्हीं नेकियों ने कब्र में भी आपका साथी बनना है, इन्हीं नेकियों ने हशर में भी आपका साथी बनना है, और इन्हीं नेकियों ने आपको सिफारशी बनकर जन्नत में लेके जाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फलियों आज के दिन अमल की गुंजाइश है, अमल का करने की सहूलत मौजूद है, मौका मौजूद है, और हिसाब का आज मौका नहीं है, वगदन हिसाबुन वला अमल फीहा, कल क्यामत का रोज होगा, इंसान ख्वाहिश भी करेगा कि अल्लाह मुझे वापस भेज दो, मैं अमल कर लूं, लेकिन वापस आने की गुंजाइश नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए आज ऐसा अमल कीजिए, मेरे नबी ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नेकियां इकट्ठी करनी है, इक़्रउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु यातीयौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये कुरान
कल क्यामत के रोज आपका सिफारशी बन के आएगा और रोजा रखा करो। मेरे नबी ने फरमाया मन सौम यौमन फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रस्ते में एक रोजा रखता है बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा, अल्लाह करीम उसके एक रोजे की वजह से 70 साल की मुसाफत उसके चेहरे को जहन्नम की आग से दूर कर देते हैं। और इसीलिए आपने फरमाया ये अमल करो, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, अस्सियाम वल कुरान यशफाअनि लिल अब्दि यौमल कियामा, ये रोजा भी और ये कुरान भी, ये दोनों सिफारशी बन के कल क्यामत के रोज हमें पकड़कर इंशाल्लाह जन्नत में लेके जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दुनिया है, अब दुनिया की जिंदगी गुजार ली, अब क्यामत बपा होगी, कैसे होगी? कुरान कहता है या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम इन ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अन وضعت وتقع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। लोगों अपने रब से डर जाओ, अपने रब से डर जाओ, उस रब्बुल आलमीन की कुव्वत उसकी ताकत से डर जाओ, जो क्यामत के रोज पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाहत किसकी है, अइनल जब्बारून, कहां है जाबिर और सरकश हुक्मरान, अइनल मुतकब्बिरून, जो अपनी ताकत के नशे में तकब्बुर करते हुए बड़े बनते हुए प्रोटोकॉल्स की लाइंस लगाते हुए जो बड़े बड़े बन के दुनिया पे रोक डालते थे, आज कहां है? आओ अपनी ताकत शो करो कि क्या आज भी तुम्हारी ताकत कोई काम करती है कि नहीं करती। लेकिन मेरे भाइयों वहां पे किसी ताकत का काम नहीं है मेरे भाई, वहां पे तो कैफियत ही ये है कि वहां पे तो मेरे भाइयों किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। सूरह नबा में अल्लाह फरमाते हैं यौम यकूमु रूहु वल मलाइकातु सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन उस दिन फरिश्ते खड़े होंगे, जिब्रील भी खड़े होंगे, सारे फरिश्ते खड़े होंगे, ला यतकल्लमून, उस रब की जलालत के सामने किसी को बात करने की जरूरत नहीं होगी, बात वही करेगा इल्ला मन अदिना लहुर रहमान, जिसको रहमान की तरफ से इजाजत दी जाए। मेरे भाइयों वो क्यामत की हौलनाकी ऐसी है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को छोड़ देगी, आप शायद समझ दें उस वक्त कि ये कोई नशा है या कोई बेहोशी है या कोई मदहोशी है, वो मैं हूं बिसुकारा, ये कोई नशा नहीं है, ये कोई मदहोशी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ताकत है, वो कुदरत है कि जिसने कायनात का आगाज किया था अब वही इसको इख्तिताम भी करने जा रहा है। और उसका इख्तिताम कैसे होता है? सूरह ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो आयतों में बयान किया है कि इस कायनात का इख्तिताम किस तरह होगा। وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ। में भूखा जाएगा, फसवाए को मन फिस समावाद, पहला नफका होगा तो क्या होगा? रुए जमीन पे जितनी आपको अंदार चीजें नजर आती हैं सारी मदहोश हो जाएंगी, सारी मदहोश हो जाएंगी,
और मदहोशी से शुरू होकर मौत तारी हो जाएगी, आखिरी लम्हा वो होगा। ये पहला नफा है। और सही बुखारी की हदीस है 4449 नंबर, उसमें बताया गया इसकी तफसीर में सूरह नमल की 87 नंबर आयत, फज़िअ मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह की तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबी से, सहाबी ने पूछा ना कि कितना फासला एक नफखे से दूसरे में होगा, तो फरमाया 40। कहा 40 दिन? फरमाया मा अबैतु, मैं इसका इनकार नहीं करता। फिर फरमाया 40 शहरन? कहा मा अबैतु, मैं इसका भी इनकार नहीं करता। 40 सनदन? 40 साल? फरमाया मैं इसका भी इनकार नहीं करता। लेकिन मेरे भाइयों, वो कितना अरसा है ये किसी हदीस में ये वाजे नहीं है कि एक नफखा से दूसरे नफखा तक फासला कितना है, लेकिन ये जरूर है कि कुरान कहता है وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ आपका दिन और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिन, उस दिन का अल्फ सनतिन तुम्हारे 1000 साल की तरह का होगा, यह कुरान कहता है। अब देखिए, पहला नफका हुआ, सारी कायनात अल्लाह के पास फना हो गई, कुल्लु मन अलैहा फन, वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। अगर कोई हस्ती बचेगी, कोई मौजूद होगी जिसको सर्वाइवल है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। वही क़यामत के वक्त भी कायम है। वो हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन, वही जात है जब कोई भी नहीं था वो अल्लाह उस वक्त भी था। जब कायनात खत्म हो जाएगी वो जात उस वक्त भी होगी। वो जाहिर को भी जानने वाला है, वो बातिन को भी जानने वाला है, वो अल्लाह की ये सिफात है। कुरान कहता है ثم نفخ فيه اخرى, फिर दूसरा नफखा होगा। فاذا هم قيام ينظرون, फिर लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जाते नजर आएंगे सारे के सारे। किस वजह से? अपने हिसाब किताब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पहुंचते हैं। और वो दिन कैसा दिन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाया जब रब के सामने पहुंचोगे, आज मेरे भाइयों इस तस्वीर को अपने जेहन में लेके आए कि जब क़यामत का दिन होगा, मैशर का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार होगा, तो कैसी कैफियत होगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, इब्न आदम के कदम नहीं हिल सकते अल्लाह के सामने से, हत्ता युसअल अन खमसिन, जब तक उससे 5 चीजों के बारे में नहीं पूछ लिया जाता। जब तक उससे 5 चीजों के बारे में नहीं पूछ लिया जाता, वो 5 चीजें कौन सी हैं? अन उमरी ही फीमा अफनाहू, पहली बात अपनी उम्र के बारे में बताइए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 20 साल, 25 साल, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 साल दी थी, किन कामों में सरफ करके आए हो? ये पहला सवाल है। وعن شبابه فيما ابلاه, और जवानी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस पूछेंगे कि जवानी तुझे दी थी, ये जवानी जो आपको अपने होश हवास कायम होने से लेकर जिस्मानी कुव्वत और ताकत महफूज थी, हड्डियां सही काम करती थी, आजाए जिस्मानी सही काम करते थे, जबान सही टेस्ट देती थी, हाथ सही मूव करते थे, तो बताइए किन कामों में जवानी सरफ करके आए हो? जरा ये भी बताइए, मेरा मालिक पूछेगा। तीसरा सवाल, अन माली ही, माल के बारे में बताइए, मिन अइन इक्तसबहु, किन ज़राए से माल कमा के आए हो? और चौथा सवाल, वफीमा अनफकहु, कहां पे खर्च करके आए हो? और पांचवा सवाल, मादा अमिल फीमा अलिम, जो इल्म था अमल कितना किया है? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो इन दिनों की तकसीम है, वो पहला दिन वो है जिसको हम योम फना कहते हैं, जिस दिन हर चीज फना हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब फ़ाइदा हुम क़ियामु यंज़ुरून वाला काम है,
कि जब सारे जीरू लोग उठेंगे, सारे इंसान उठेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जाएंगे, ये यौम बास है, जब मरने के बाद सारे उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे। और तीसरा ये वो लम्हा है जिसको कुरान कहता है मालिकी यौमिद्दीन, ये अल्लाह बदले के दिन का मालिक है, वो जजमेंट के दिन का मालिक है, फैसले के दिन का मालिक है, ये वो फैसले का दिन आन पड़ा है, रब तुम्हारा तुम्हारे सामने है, तुम अपने रब के सामने हो। अब इन पांचों चीजों का जवाब दो कि कहां ये पांचों कामों के बारे में तुम जानते क्या हो, जरा ये बताओ। हजरत देखिए, दुनिया में इंसान की मौत वाकई होती है ना, इंसान की मौत तो उसकी कैफियत क्या होती है, उसकी कैफियत दुनिया में क्या होती है। अब आखरत तो वो तो कुल्ली तौर पे क्यामत सबके लिए बपा होगी, लेकिन जब दुनिया में इंसान की मौत वाकई होती है तो उसकी कैफियत क्या है। वह जात सकरतुल मौत बिल हक, मौत के सकरात आते हैं, ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, बंदा दुनिया में उससे भागना चाहता होता है लेकिन भाग नहीं सकता। और वहां पे कैफियत ये होती है कि बंदा कोई भी वो शख्स हो, जब उसके ऊपर मौत के आसार तारी होते हैं, ये दुनियावी मौत की तभी मौत की ये कैफियत है कि उसकी कैफियत वाकईतन ऐसे ही है जो अल्लाह ने सूरह क़यामा में बयान की है। आप भी समाज फरमाएं, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق। जब कैफियत ये है कि जान हंसली तक पहुंच गई, घर वाले भागते हैं, है कोई डॉक्टर कोई तबीब आए जो इसको आके कोई दम करे, कोई दवाई का इहतमाम कर दे, आज हमारे घर वाले की जान बचा ले। लेकिन क्या है, वन्ना अन्नहुल फिराक, वक्त वो आ गया है कि अब जुदाई यकीनी हो चुकी, इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक, अब अपने रब की तरफ लौटना है, अपने रब की तरफ लौटना है। मेरे भाइयों, जामे तिर्मिजी की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजाना सुबह उठते थे तो क्या करते, सबसे पहले या अय्युहन नास उज़्कुरुल्लाह, या अय्युहन नास उज़्कुरुल्लाह, कि ऐ लोगों अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह को याद कर लो। जाअतिर रादिफा, अब अल्लाह की तरफ से एक नफखा आ चुका, क्यामत का एक झटका लग चुका, तत्बाउ हर रादिफा, दूसरा झटका भी लगेगा, अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। अब वो अल्लाह के सामने पहुंच गए, अब वहां पे कैफियत सुनिए। अब इंसान क्या है, इंसान ने ये जो लम्हा अल्लाह के सामने गुजारना है, ये कैसा लम्हा है। हजरत मकदाम बिन मादी करीब बयान करते हैं कि तकूमुस्साअ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकूमुस्साअ, क़यामत कायम होगी, वन्नासु यकूनूना अला क़द्री अमालिहिम, और उस दिन लोग अपने अपने बदअमली की बदौलत अपने अपने पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिनहुम मन यकूनु इला काबई, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा, व मिनहुम मन यकूनु इला रुकबतई, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, व मिनहुम मन यकूनु इला हक़वई, किसी का पसीना उसकी कमर तक होगा, व मिनहुम मन यकूनु इला फी, किसी का पसीना उसके मुंह तक होगा, व मिनहुम मन यलजिमुहुम इल्जामन, और किसी का पसीना उसको लिगामे पहनाए हुए होगा, वो सारा का सारा उसका वजूद पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। ये कैफियत दुनिया में जितनी बदअमली की है उसके हिसाब से वो शख्स अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज अमल कर लीजिए,
ये दुनिया की रंगीनियों में आकर इंसान पता नहीं क्या कुछ कर लेता है, लोगों को नाराज कर बैठता है, लोगों के खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें करता है, लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसे अमाल में मुब्तला होता है कि उसको एहसास नहीं होता कि ये दुनिया इधर ही रह जानी है, मैं आखिरत की तैयारी करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तरगीब देते रहे। आपने चार हदीस अभी तक सुन ली, लेकिन मेरे भाइयों देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बावजूद अपनी तरफ से सात किस्म के लोगों को रिलीफ भी अता करना है। और इस भरी गर्मी के दिन में जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरज एक मील की मुसाफत पे होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बाद सात किस्म के लोग सही बुखारी की 660 नंबर हदीस के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। सात किस्म के खुश नसीब ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन उस चटियल मैदान में अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं। आज आप ये सातों बंदे गिनकर अपना अपना शुमार कर लीजिए, दुनिया भी मौजूद है, उस दिन जब सख्ती वाले दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है तो सोच लीजिए इन सवालों का जवाब है कि नहीं है। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमामुल आदिल आदिल हुक्मरान, अगर अदल करता है, राया के साथ इंसाफ करता है, अपनी राया को फैसिलिटेट करता है, उनके लिए अशियाए जरूरिया उनके लिए एहतमाम करता है और दुनिया की सहूलतें उन तक पहुंचाता है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर रखता है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह अर्श के नीचे साया अता फरमाएंगे। और दूसरा वो शख्स फरमाया रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, दो लोग आपस में मोहब्बत करने वाले और उनकी मोहब्बत का मायार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात हो। आप किसी से इसलिए मोहब्बत करते हैं, ये शख्स कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, आप इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये शख्स बड़ा दीनदार है, ये शख्स बड़ी अच्छी जचीतुली गुफ्तगु करता है, मैं इसलिए इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसलिए इससे जुदा हुआ हूँ क्योंकि इसकी गुफ्तगु में बड़ा फाउलपन होता है, गंदी गालियां निकालता है, लिहाजा मेरा इसके साथ बैठना मुनासिब नहीं। जो शख्स इस तरह की दोस्ती का मायार रखता है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह क्यामत के रोज इसको भी अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। मेरे भाइयों, अच्छा दोस्त वो होता है जो किसी के खिलाफ बदगुमान नहीं होता, अच्छा दोस्त वो होता है जो किसी की गीबत नहीं करता, अच्छा दोस्त वो होता है जो चुगली नहीं करता, अच्छा दोस्त अपने भाई का हासिद नहीं होता, उससे हसद नहीं करता, उससे बुग़्ज़ नहीं रखता, उसे कता ताल्लुक ही नहीं करता, उसके साथ मिल मलाप रखता है, हर तरह मेल जोल अच्छे तरीके से रखता है, और ये वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला क़यामत के रोज अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और तीसरा वो शख्स मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। कैसा शख्स है? मस्जिद में नमाज पढ़ के गया, दिल में बात आई, ख्याल आया कि मैं अभी मस्जिद से आया हूँ कि अभी फिर नमाज का वक्त होने लगा है, मैं बाहर बाजार में जाऊंगा, जाके फला सौदा खरीदूंगा, मैं वो फला चीज खरीदूंगा, मेरी नमाज जाया हो जाएगी, मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं दोबारा चूंकि मस्जिद में जाना है कहीं मेरी नमाज जाया ना हो जाए, मैं फला काम उसको पेंड कर देता हूँ, उसको इल्तवा कर देता हूँ, उसको मुलतवी कर देता हूँ, मैं पहले अल्लाह की मस्जिद में जाऊंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा। जब उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, एक ये शख्स है, दूसरा मस्जिद का मुंतजिम वो शख्स जिसको हर वक्त ये फिक्र रहती है मस्जिद का फला पंखा खराब है, मस्जिद की फुला लाइट खराब है, नमाजियों के लिए ठंडा पानी नहीं है, नमाजियों के लिए फुला सहूलत नहीं है, उसके ज़हन में सारा दिन ये घूमती रहती है और वो कोशिश करता है कि नमाजियों को फैसिलिटेट करे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नमाजियों की सहूलत का एहतराम करता है, जो मस्जिद का एहतराम करता है, मस्जिद का ध्यान रखता है, अल्लाह करीम क़यामत के रोज उसको भी अर्श का साया अता फरमाएंगे। और मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ात हस्बिन व जमालिन फयकूल इन्नी अखाफुल्लाह, ऐसा शख्स
जिसको हस्ब व नसब वाली खातून बुराई की दावत देती है वो अल्लाह से डर कर इस बुराई से बाज आ जाता है। और वो शख्स वरजुलन, ऐसा शख्स जिसने ज़िक्र अल्लाह खालियन, रात की तन्हाइयों में बैठकर मस्जिद में क्याम होता है, 1 बजे क्याम होता है, आप पीछे खड़े हैं, कारी साहब कुरान पढ़ रहे हैं, आपके दिल में तस्वुर में वो आयात का मंजर घूम रहा है और वो हदीस में आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ते वक्त आपके सीने से इस तरह की आवाजें आती थी, अजीरुन का अजीजल मिर्जल, जिस तरह हंडिया के उबलने की आवाज होती है, और दिल में इस तरह की जब अंदर से मेरे भाइयों आवाजें आ रही हो, समझ लीजिए कि कुरान आपके ऊपर असर कर रहा है, आपकी आंखें बह निकलती हैं, अल्लाह का खौफ दिल में होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का लालच होता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा शख्स भी वो शख्स है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह ही खुफिया तौर पर खर्च करने वाला वरजुलन अनफक बियमीनिही हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, उसके बाएं हाथ को यह इल्म नहीं है कि उसके दाएं ने क्या खर्च किया है। जब ये कैफियत हो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला इन सब को अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और इसमें वो शख्स भी शामिल है जिसने पूरी उम्र गुजारी, जिसने जवानी गुजारी, मेरा रब उससे पूछेगा कि मैंने तुझे जवानी दी, मैंने तुझे सेहत दी, मैंने तुझे सलामती दी, मैंने तुझे अकल दानिश फहम फरासत सारा कुछ दिया, सारा कुछ होने के बावजूद तूने कारोबार किया, माल कमाया, दौलत कमाई, तूने जायदाद बनाई, तूने औलाद के लिए सारा कुछ बनाया, ये तूने सारा कुछ उन लोगों के लिए किया, बता तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया है, जिसने तुझे सेहत दी थी, जिसने तुझे सलामती दी थी, जिसने तुझे सारा कुछ दे दिया, तूने उसके लिए मेरे भाइयों क्या किया। इसलिए मेरे भाइयों, वो पांचों सवाल कि आप अपनी पूरी उम्र और बिलखसूस जवानी का वो पीरियड, वो जवानी का वो लम्हा, उसके बारे में मेरे भाइयों हमें गौर करना चाहिए। और फिर माल कमाया कैसे है, माल खर्च कैसे किया है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं, बाबु तकासुर में यह मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक दिन इसी कैफियत को माल के हवाले से शैतान के हमलों को बयान कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कौल शैतान, शैतान ने अल्लाह को कहा, साथ ही आपने फरमाया लअनहुल्लाह, अल्लाह करीम उस पर लानत करे, उसने अल्लाह को चैलेंज करते हुए ये बात कही, लन यस्लम साहिबुल माली मिन्नी इल्ला मिन इहदा थलाथ, साहिबे माल मुझसे सलामत नहीं रहेगा, अग्दु अलैहि बिहिन्न व अरूह, मैं उस पर 3 मुख्तलिफ तरीकों से सुबह शाम हमला करूंगा और वो तीनों में से किसी एक हमले के जेरे असर वो जरूर आ जाएगा। मेरे भाइयों, पैसा आप भी कमाते हैं, पैसा मैं भी कमाता हूं, पैसा हमारे वालिदैन भी कमा के गए, पैसा शायद हमारे कईयों के बच्चे भी आगे कमाते हों। इन तीनों बातों को सुनिए और तस्वुर में लाइए कि कहीं शैतान अपने नरगे में हम में से किसी को ला तो नहीं रहा। आप तस्वुर कीजिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान कहता है पहला हमला वो है, क्योंकि 5 सवालों का हमने जवाब रब्बुल आलमीन के सामने तैयार करना है। आपने तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक दिन मुकालमा हो रहा था ना, तो हजरत आयशा पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसान हिसाब क्या होता है, तो आपने फरमाया आयशा पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हिसाब ले ही ना, अल्लाह ताला अपनी रहमत की आगोश में सबको वैसे ही भेज दे तो वो इस पे भी कुदरत रखता है, लेकिन अगर अल्लाह हिसाब लेता भी है तो इतना आसान हिसाब ले कि अल्लाह ताला हमसे कोई ये ना पूछे कि तूने ये काम क्यों किया है, क्योंकि क्यों का जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। अब दोबारा आइए उसी बात की तरफ, पहला हमला अख़्ज़िही मिन ग़ैरि हिल्लिही, इंसान माल कमाएगा ऐसे ज़राए से जो ज़राए हलाल नहीं होंगे। आज कोई शख्स हराम खाए, सूद खाए, रिश्वत खाए, धोखा करे, झूठी कसमें खा के लोगों से माल कमाए, पॉमिस्ट बन के लोगों के हाथ चेक करके उससे पैसा कमाए, ये सारे मेरे भाइयों वो ज़राए हैं जो शरीयत में हराम रास्ते हैं, जिनकी कमाई कभी भी अल्लाह के हाँ ना कबूल है ना अल्लाह के नबी के पास कबूल है। झूठ बोल के नफा कमा लिया,
किसी को धोखा दे दिया, चकमा दे दिया, फ्रॉड कर लिया, माल बताया कुछ दिया कुछ, ये मेरे भाइयों ये हराम जरा। दूसरा काम وَإِنْفَاقِهِ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ, इंसान वहां पे माल खर्च करेगा जहां पे उसका हक ही नहीं पहुंचता। और तीसरी बात, وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَأَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ, मैं उस माल को उसके लिए इतना महबूब बना दूंगा कि उसको उसके हक से ही रोक दूंगा। गरीब आएगा, मिस्कीन आएगा, मदरसे के लोग उसके पास जाएंगे कि हमारे मदरसे में इतने लोग पढ़ते हैं, आप उसके लिए तावन कर दे। वो आगे से पूछता है और धुतकारता है, तकब्बुर में आता है और आगे पूछता है आपके पास पैसे नहीं थे, आपने मदरसा क्यों खोला है? आपसे वो सलाह लेने नहीं आया, आपसे आलिम दीन मशवरा लेने के लिए नहीं आया। इतनी अकल और दानिश उसको आपसे ज्यादा है, आपने देने हैं अल्लाह के रस्ते में, दीजिए वरना छुट्टी करें। ये तो आलिम दीन का आप पे एहसान है, वो चल के आपके पास आया है कि आपके पैसे जामिया सल्फिया पे लग जाए, आपके पैसे इन तलबा की कफालत पे लग जाए जिन्होंने आज यहां से पढ़कर इन्हीं सफों में आकर आज आपको बयान भी सुनाते हैं, आप बाजो नसीहत भी करते हैं, आपकी सिम्मत सही करते हैं, जन्नत की तरफ करते हैं। वो यही मदारिस से पढ़े हुए तलबा हैं, वो कहीं किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए, इन्हीं मदारिस ने उनकी बुनियाद बनाई, इन्हीं मदारिस ने उनकी लाइन सेट की है। मेरे मोहतरम भाइयों, आप भी चाहते हैं कि कल कलां अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हमसे सवाल हो, माल कहाँ पे कमाया, खर्च कहाँ पे किया, तो हमारा जवाब ही होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जामिया सल्फिया गए थे, हमने मदारिस के हवाले से उलमा का किरदार सुना है, हमने उलमा का आगे किरदार देखा है और प्रैक्टिकली हमने उनको देखकर अपना सारा माल नमाजियों पे सर्फ किया है और उन तलबा पे सर्फ किया है जो अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नर रजुल लतुरफउ दरजतुहु फिल जन्नत, एक आदमी उसका जन्नत में दर्जा बुलंद होगा। अब वो जन्नत में दर्जा बुलंद होने पे हैरान होके पूछेगा, अन्ना ली हादा, ये मेरे लिए कैसे मुमकिन हुआ, मैंने तो कोई अमल नहीं किया। तो फरिश्ते उसको कहेंगे, इस्तिगफारी वलदिका लक, तूने तो अमल कोई नहीं किया लेकिन तेरी औलाद पीछे मौजूद थी जिसने तेरे लिए इस्तिगफार दुनिया में किया है, अल्लाह ने उसकी बरकत से जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद कर दिया। हजरात, जन्नत में दर्जा वही औलाद बुलंद कराएगी जिन्हें आप नमाजी बनाएंगे, जन्नत में वही औलाद दर्जा बुलंद कराएगी जिन्हें आप मस्जिद की सफों में लेके आएंगे, जन्नत में वही औलाद दर्जा बुलंद कराएगी जिन्हें आप उलमा की सोहमत में बैठाएंगे, कुर्रा की सोहमत में बैठाएंगे, जिन्हें कुरान सिखाएंगे, दीन पढ़ाएंगे। यही वो बच्चे होंगे जो कल मरने के बाद इंशाल्लाह हमारे लिए सदका जारिया बनाएंगे। और पांचवी बात मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादा अमिला फीमा अलिमा, जो इल्म था अमल कितना किया है। तो यहाँ पे एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि बदअमली मैं करूंगा, नमाज मैं छोड़ूंगा, धोखा किसी को मैं दूंगा, फंसे का मोहल्ले का मौलवी। ये मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये हमारा कानून हो सकता है, हमारे जहन की इख्तिरा और इजाद हो सकती है और हमारे जहन में आने वाले तस्वुरात और वहम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह का कानून है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कि कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाता, कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जब अल्लाह का ये कानून है मेरे भाइयों, आज किस शख्स को नहीं पता नमाज पढ़ना सवाब का काम है कि गुनाह का काम है। नमाज आप छोड़ें, अल्लाह मल्ले के मौलवी को क्यों पकड़ेंगे? गाली किसी को आप दें तो मल्ले का मौलवी कैसे फंसेगा? जो इल्म आपको है उसके आलिम आप हैं, उसकी जवाबदेही आपसे होनी है, वो किसी आलिम से नहीं होनी। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंच गए, हिसाब किताब हो गया, सारा कुछ हुआ, बंदा शायद अल्लाह के सामने मुकरने की कोशिश करे कि मैंने तो ये अमल किया ही नहीं था, मैंने तो ये काम किया ही नहीं है। तो कुरान कहता है सूरह कहफ में, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ رب العالمین کے پاس نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں یہ نامہ اعمال رکھا جائے گا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. مجرم ہوں گے وہاں پر کیا کیفیت ہوگی؟ وہ ڈریں گے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر اعمال کو دیکھ کر حیران ہوں گے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. ہائے کاش اس نامہ اعمال میں ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا بڑا بھی نہیں چھوڑا. مکرنے کی کوشش کریں گے میرا مالک کہتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا, تمہارے سامنے تمہاری فلم چلا کے دکھا دیں گے جب 30 سال کے تھے یہ کرتے رہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اللہ تعالیٰ وہ عمل کرتا ہوا دکھا دیں گے کہ تم یہ کرتے رہے ہو, یہ تھا وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا لکھوایا تھا, دنیا میں اب تجھے بھول گیا ہے. لیکن میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہم سب کا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھوں میں محفوظ فرمائے. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا هُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا خوش ہو کے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. آج بچے کے میٹرک میں اچھے نمبر آ جائیں, انٹرمیڈیٹ میں اچھے نمبر آ جائیں, بیچلر میں اچھے نمبر آ جائیں, کسی کورس میں اچھی پوزیشن آ جائے, کسی کو گولڈ میڈل مل جائے, وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے, فیس بک پہ سٹیٹس لگائے گا مجھے فلاں جگہ سے فلاں انعام ملا, فلاں پرائز ملا, فلاں کچھ ملا. میرے بھائیو یہ تو دنیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے مرنا ہے میڈل بھی ادھر, سرٹیفکیٹ بھی ادھر, سارا کچھ ادھر ہی, ہم نے اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے. اس ساری دنیا کے سامنے جب نامہ اعمال ملے گا بندہ کہے گا ہاؤ بکرو کتابیا, آؤ میرے نامہ اعمال پڑھو. میرے بھائیو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسان اگر آج چاہتا ہے دنیا میں, آج اگر چاہتا ہے اپنی آخرت کو بہتر کرے, ایک آخرت وہ ہے جہاں پہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے. بندہ کوئی اگر مکرنے کی کوشش کرے گا وہاں پہ مکرنے کی کوشش کرے گا, ایک آپ نے سورہ کہف کی آیت سنی کہ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو سامنے دکھا دیں, دوسرا کام کیا ہوگا اللہ منہ پہ تالا لگا دے گا. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. منہ کو تالا لگے گا, ہاتھ بولیں گے, پاؤں گواہی دیں گے. جو کرتوت دنیا میں کرتے رہے ہو نا یہ ہاتھ بتائیں گے, ہاتھ نے کون کون سی ویب سائٹس کھولی تھی, ہم ڈیجیٹل بات کر لیتے ہیں, ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کام کرتے رہے ہو میڈیا پہ بیٹھ کے, یہ سارا کچھ. پاؤں تمہارے چل چل کر کن گھروں کی طرف کن کاموں کی طرف جاتے رہے یہ وہاں پہ پتہ لگے, اور ساری دنیا کے سامنے ساری دنیا موجود ہوگی. یہاں پہ تو بندہ میرے بھائیوں اپنے ساتھی سے چھپتا ہے, دوست سے چھپتا ہے. اگر ان ہاتھوں کو پاؤں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا فنکشن اس میں آ جائے تو صحیح بخاری کی حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہ حدیث قدسی ہے اور حدیث ہے 5602 نمبر, فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اگر وہاں پہ ہاتھوں کو کانوں کو وہاں پہ صحیح معنوں میں اپنے خلاف گواہی دینے سے بچانا چاہتے ہو تو اس حدیث پہ عمل کرو. کون سی حدیث؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
मेरा रब कहता है जो मेरे दोस्त से किसी से दुश्मनी रखता है فقد آذنته بالحرب मैं रब्बुल आलमीन उससे ऐलान जंग करता हूं, ऐलान जंग करता हूं। और बंदा मेरा तकर्रुब हासिल करता है, सबसे बेहतरीन तरीका यह है مما افترضته عليه कि जो मैंने चीजें उस पर फर्ज की हैं, वो ये काम करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, जकात अदा करे, जिहाद करे, दीगर चीजें काम करे, जो मैंने उस पर फर्ज की हैं, जो हलाल चीजें हैं उनको अपनाए, जो हराम है उनसे बचे, जब ये सारे काम करेगा तो मेरा रब कहता है कि ये वो अमल है जिससे बंदा मेरे करीब हो जाता है। और फिर फरमाया वमा यज़ालु यतक़र्रबु इलैया 'ब्दी बिन्नवाफिल, बंदा मेरे साथ और भी मानों में करीब होता है। और वो अमल है जो अभी आपने एक बजे इंशाल्लाह करना है, नवाफिल की इबादत के साथ आप नफल पढ़ेंगे, जामिया सल्फिया की सफों में खड़े होकर कारी साहब आपको नवाफिल पढ़ाएंगे, आपकी ये सफे, ये छत, ये पंखे आपके गवाह बनेंगे कि आपने इस रात को नवाफिल का एहतमाम किया था सिर्फ एक मकसद की खातिर कि मैंने अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है। कल क्यामत के रोज अपने हाथों को, अपने मुंह को उस पे ताला लगने से बचाना है। तो मेरा रब कहता है वमा यज़ालु यतक़र्रबु इलैया 'ब्दी बिन्नवाफिल, नफलों से कुर्बत हासिल करता है, हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि मैं रब्बुल आलमीन इस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं। फरमाया फ़ाइदा अहबबतुहु, जब मैं इस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ, कुंतु समअहु, मैं इसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, वयदहु, मैं इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो छूता है, मैं इसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करता है, मैं सारी की सारी जो रूहानी कुव्वत है मैं अपनी उसको अता करता हूँ। बंदा मेरा इतना करीब हो जाता है, इन सअलतनी लऊतीयन्नहु, अब अगर मुझसे सवाल करता है मैं इसको जरूर अता करूंगा, वला इन इस्तआदनी लऊईदन्नहु, मुझसे पनाह तलब करे मैं इसको जरूर पनाह देता हूं। ये मेरे मोहतरम भाइयों, ये रब्बुल आलमीन का अपने बंदे के साथ प्यार है, उस बंदे के लिए जो इस तरह अपने आप को तैयार करता है आखिरत के लिए और दुनिया में उसका एहतमाम करता है कि काश मेरे लिए कल क्यामत का रोज हो, कल क्यामत का रोज हो, मैं अल्लाह के सामने मुजरिम बन के पेश ना हूं, मैं अल्लाह के सामने सुरखरू होकर, अल्लाह के सामने कामयाब होकर, हकीकी मायनों में दाएं हाथ में नामाया माल लेकर फखर के साथ वहां पे ऐलान करूं कि अल्लाह ताला ने मुझे पास कर दिया है, हा वो मुकरो किताब। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त चूंकि 12:15 के करीब होने लगे हैं, आपने अभी तैयारी भी करनी है, बातें और भी करने को दिल करता है, लेकिन हम इधर ही बात खत्म करते हैं। आप साथी अब अपनी तैयारी करें, लेकिन दुआओं में हमें भी याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, लेकिन ये बात जरूर ज़हन में रखिए कि ये रमजान मुबारक की जो ताक रातें हैं इसमें आप कसरत से नवाफिल का एहतमाम कीजिए, जितने नवाफिल पढ़ेंगे, आखिरी जो हदीस आपने सुनी है आप कसरत के साथ नवाफिल का एहतमाम करें, इंशाल्लाह जहां पे आपकी नेकियां बढ़ेंगी, जहां पे आपके नामाया माल बढ़ेंगे, जहां पे हर चीज में इजाफा होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के मकबूल बंदे भी बनेंगे, अल्लाह के मकबूल बंदे और अल्लाह के मुकर्रबीन में आप शामिल होंगे। अल्लाह करीम मुझे भी, आपको भी, हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 2-3 बातें हैं, ये आप नोट कर लें। ये पहला गालिबन ऐलान है कि राना मोहम्मद अनस यूनुस, इनके हवाले से दुआ करें कि अल्लाह करीम इनको सेहत कामिला अजला ता फरमाए। ये दूसरा भी ऐलान है, दुआए सेहत है। एक भाई ने अर्ज की है कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं चल नहीं सकता, अल्लाह करीम आपको ये नेमत टांगों की अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए कि आप चल कर मस्जिद में आए, अल्लाह का दीन का काम करें। ये काया जी सूरह नजम की आयत सुना दें, मेरा गला गुला वैसे बैठ गया है, चले कोशिश करते हैं। الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. اللهم يا رب لا ترحم كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانيه ولرسولك بالرساله وماتوا على ذلك. يا رب العالمين میرے بھائیوں میں میری بہنوں میں جو لوگ بیمار ہیں صاحب فراش ہیں کوئی موسمی بیماری کا شکار کوئی وبائی امراض کا شکار کوئی جسمانی مرض کا شکار اللہ کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے مولا کریم رب العالمین ہمارے والدین اساتذہ قابرین میں سے جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے وطن میں سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما. اے رب العالمین پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے رب العالمین ہمارے اس جامعہ کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اے اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ اساتذہ کرام کو صحت کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. I think I am.